गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। सरगुजा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पेड़ से बंधी मिली महिला की अधजली लाश, पहले एसपी बोली भूख से हुई है मौत, फिर बदला बयान, कहा कि मौत का कारण तय नहीं। सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित कोसाबाड़ी नर्सरी में एक बुजुर्ग महिला की अजीब हालत में मौत हो गयी। उस महिला की अधजली लाश सोमवार को कोसाबाड़ी में मिली है। महिला की निशाक्त सुबासो अघरिया के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष बताई जा रही है। डॉग स्क्वाड के साथ फोरेंसिक और पुलिस की टीम मंगलवार को मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। वहीं फोरेंसिक टीम सैंपल कलेक्ट कर जांच कर रही है। एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत भूख से होने का खुलासा हुआ है। यह पूछने पर कि फिर उसकी अधजली लाश किस तरह से मिली, तो एसपी ने कहा कि फोरेंसिक टीम ने सैंपल लिए हैं, जाँच कर रही है। हालांकि कुछ घंटे बाद एसपी ने अपना बयान बदला और कहा कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि लाश जली हुई है यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि एक सप्ताह में बॉडी इतनी डीकम्पोज हो गई है कि जली जैसे दिखने लगी है। एसपी भावना गुप्ता ने कहा कि महिला सुबासो अगरिया इंदिरा आवास उदयपुर की रहने वाली है। उसके पति का नाम राम प्रसाद है। फिलहाल परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। महिला की मौत भूख से कैसे हुई है, इस बात की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला को एक हफ्ते पहले इस इलाके में घूमते हुए देखा गया था। यह भी पूछा जा रहा है कि क्या महिला मानसिक रूप से कमजोर थी, उसके घर वाले उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे थे। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पेड़ से बंधी लाश मिली थी। उदयपुर स्थित रेस्ट हाउस के पीछे कोसाबाड़ी में काम करने वाली रामनगर की माया सिंह वहां से एक बैल को भगा रही थी। इसी दौरान जब बैल झाड़ी की तरफ जाने लगा तो उसने वहां महिला की लाश देखी और इसकी जानकारी लोगों को दी। इसके बाद पुलिस को भी खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई कि लाश एक सप्ताह पुरानी है। पुलिस ने यह भी आशंका जताई थी कि महिला की हत्या कर लाश को यहां पर पेड़ में बांध कर जलाया गया है। हालांकि एसपी ने भूख से मौत होने की बात कही और लाश के जले होने को लेकर जांच की बात कही है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि महिला को पेड़ से बांध कर जलाया गया है, क्योंकि पेड़ के नीचे का भाग जला हुआ है, उसमें अधजला कपड़ा भी बंधा हुआ है। कुछ दिनों पहले उदयपुर थाना क्षेत्र के रिखी ग्राम में एक व्यक्ति का अंग भंग शव बरामद हुआ था। उस व्यक्ति की आज तक पहचान नहीं हो सकी है। व्यक्ति की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस की जाँच आगे नहीं बढ़ पा रही है।